हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर इन इजी वे इन लेस टाइम। सो सबसे पहली बात, अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो आपको सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए वो सीखना पड़ेगा, फिर आपको ये थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। सो मैंने एक वीडियो बनाई है 2 डिजिट नंबर को कैसे इजी वे में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप प्लीज़ वो देखिएगा, वो चेक करिएगा वो वीडियो, फिर आपको ये वीडियो जानने में आसानी होगी। मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में टू डिजिट नंबर की। सो अभी हम पहले शुरू करेंगे 3 डिजिट नंबर को। सो 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप है। तो सबसे पहले ये 3 डॉट है, तो 6 डॉट दिए हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि हमको 3 × 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे C × F को मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले हम C × F का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम करेंगे B × F का क्रॉस प्लस C × E का, उनका एडिशन करेंगे। B × F प्लस C × E का एडिशन करना है हमको क्रिस क्रॉस करके। स्टेप 3 में कोई भी ना कुछ नहीं, सबको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो स्टेप 3 में हम क्रॉस करेंगे A × F, B × E और C × D को। सो इन मल्टीप्लाई करना है, तो A × F उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर B × E को उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर C × D को भी मल्टीप्लाई करना है, और उन तीनों का हमको एडिशन करना है। नाउ स्टेप 4 में हमको C × F को बाय बाय बोलना है। नाउ A × E को हमें मल्टीप्लाई करना है, और B × D को हमें मल्टीप्लाई करना है, और उनका एडिशन करना है। सो A × E प्लस B × D ये हमें करना है स्टेप 4 में। नाउ सबको बाय बाय बोलना है, बस A और D को हमें हाय बोलना है। सो A × D का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है। तो ये हम 5 स्टेप्स दिए गए अपना इसमें 3 डिजिट नंबर के लिए, हमारे लिए 5 स्टेप है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 डिजिट नंबर में लास्ट वीडियो में हमने जैसा देखा था कि उसको सिर्फ 3 स्टेप्स था, जैसा डिजिट बढ़ेगा वैसा स्टेप्स बढ़ेंगे। सो इसके लिए अभी ये 5 स्टेप्स है, ये थोड़ा सा आप पहले देख लीजिएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 818 × 105 का, जो ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ कौन सा भी। सो सबसे पहले स्टेप क्या दिया है, चलो इसको हम मार्क कर लेते हैं ABCDEF। ये बस थोड़ा सा अभी ना आपको बेसिक के लिए, जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा ना, यू विल बी सॉल्विंग इट इन अ वेरी इजी वे। सो C × F बोला है, तो C कितना 8 है, F कितना 40 है, 8 × 5 = 40। सो 0 लिखेंगे और 4 हमारा कैरी के लिए जाएगा। सो कैसा ना, सबसे पहले बेसिक आपको 1 to 20 का टेबल आना चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर नीचे का एडिशन, फिर आपको इजी पड़ जाएगा करने के लिए का। 8 × 5 = 40, 0 = 4 कैरी है। नाउ सेकेंड स्टेप इज B × F प्लस C × E। B × F = 1 × 5 और C × E = 8 × 0। 8 × 0 = 0, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 × 5 = 5 और ऊपर का 4 कैरी करेंगे 9। ओके, सो नाउ अगला स्टेप क्या है, सबको हम खुश करने वाले हैं अभी। A × F प्लस B × E प्लस C × D। सो A × F कितना, 8 × 5 = 40, जैसे कि हम देख सकते हैं, और प्लस B × E, B कितना है 1 और E कितना है 0, तो 1 × 0 तो 0 ही, उसका कुछ मतलब नहीं है। नाउ C × D कितना है, 8 × 1 = 8। सो आंसर इज 40 + 8 = 48। सो 8 और 4 वापस हमको कैरी करना है, 4 अभी हम और लेंगे कैरी करने के लिए। नाउ अगला स्टेप 4 है A × E प्लस B × D। नाउ अभी CF को आपको बाय बाय बोलना है, तो A × E कितना है, A कितना है 8, E कितना है 0, तो उसको लेके फ़ायदा नहीं है। सो B × D कितना है, B × D = 1 × 1 = 1 प्लस 4 = 5। सो आंसर इज 5। नाउ हमको लास्ट स्टेप पे सबको बाय बाय बोलना है, बस A और D को हाय हाय बोलना है। सो A × D कितना है, A कितना है 8, D कितना है 1। सो आंसर इज 85890। सो लेट्स चेक अब आंसर राइट है या नहीं। सो क्या 105 × 818। सो आंसर हम देख सकते हैं 85890 कैलकुलेटर में भी आया है, और यहाँ पे भी हमने 85890 लिखा है। सो हमारा एक क्वेश्चन तो राइट हो गया है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 773 × चलो उसका ही उल्टा ले लेते, 377, जैसे कि हम देख सकते हैं। नाउ वापस इसको मार्क कर देंगे ABCDEF करके। सो C × F पहला स्टेप है, C × F 37 का कितना होता है सभी को पता है, 21 होता है। नाउ 2 कैरी करना है, अभी B × F प्लस C × E, तो नाउ B कितना है 7, F कितना है 7, 7 × 7 = 49 प्लस कितना है C × E बोला है, 3 × 7 = 21 होता है, और प्लस 2 कैरी करना था हमको, 21 + 2 = 23 और 49 + 23 = 72। ओके,
सो नाउ हम इसका 72 का 2 लिखेंगे और 7 वापस कैरी करेंगे। और स्टेप 3 में हमको किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबको यूज़ करना है। 7 ज़ा वापस हम देख सकते हैं 49, 3 ज़ा 9 एंड 7 ज़ा 49। सो 49 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 98, 98 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 105, 105 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 114। सो 4 करना है और अभी 11 हमको कैरी करना है। नाउ स्टेप 4 में क्या दिया है, 7 ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, जैसे कि आप देख सकते हो। सो हमको 7 इंटू 7 49 करना है और b इंटू डी कितना है, 37 ज़ा 21 प्लस 11 कैरी करना है। सो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 1 1 कैरी, 4 7 6 7 8 81। सो 1 अभी 8 कैरी करना है, तो 7 3 ज़ा 21 मीन्स लास्ट का स्टेप है a इंटू डी। सो 7 3 ज़ा 21 और 8 कितना होता है, 2 9 मतलब 21 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 29। तो हम 9 ही लिखने वाले थे और 2 हम अभी आगे हमको कुछ करना नहीं, इसलिए डायरेक्ट 2 भी लिख दिया। तो 291421 हमारा आंसर है। तो अभी चेक करते हैं, 773 इंटू 377, सो आंसर इज 291421। देखो आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो और मेरा आंसर भी 291421। सो दोनों क्वेश्चन हमारे राइट आ गए। और आप कोई भी नंबर लो 3 डिजिट का और ये स्टेप और ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो और आपका आंसर 100% राइट आएगा। सो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में मैं आपको 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर का भी ईजी वे बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा। और प्लीज़ चेकआउट माई 2 डिजिट नंबर जिसका भी मैंने सिंपल वे बताया है, वो आपको बहुत मज़ा आएगा डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए। और प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको अगर देखनी है तो आपको पता है अभी क्या करना है, शेयर ज़रूर करिएगा आपके दोस्तों के साथ। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो आपके बच्चों को आप सिखा सकते हो। ये सब वैदिक मास के रूल्स से कुछ जो मैंने कोर्स करा था वो मैं अब आपको सिखाऊंगा फ्यूचर में, अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो। सो थैंक यू सो मच, जय श्री राम।